हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करें। तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है नई रेसिपी में। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हलवाई जो सूखे दूध की बर्फ़ी कैसे बनाते हैं, तो वही आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूखे दूध की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक पैन। पैन में मैंने डाला है 100 ग्राम दूध। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम दूध डाला है। उसके बाद में मैं डाल रहा हूँ 50 ग्राम डालडा घी। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम डालडा घी डाला है। उसके बाद में मैं डाल रहा हूँ 200 ग्राम सूखा दूध। तो यहाँ पे मैंने डाला है 200 ग्राम सूखा दूध। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई डली ना रहे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर रहा हूँ इसको। इस तरीके से इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई डली ना रह जाए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। उसके बाद में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 50 ग्राम चीनी। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम चीनी डाला है। उसके बाद में मैं इस पैन को साइड में रख देता हूँ। उसके बाद में हम गैस गैस को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर लिया है लो फ्लेम पे, एकदम लो फ्लेम पे। इसको हम 5 से 6 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। इसको अच्छी तरीके से 5 से लो फ्लेम ही होना चाहिए, तेज़ हाई फ्लेम पे नहीं करना है इसको। हाई फ्लेम पे अगर करेंगे तो नीचे सड़ जाएगा या साइडों में जल जाएगा, इसलिए लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे इसको पका रहा हूँ। ये लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकाते पकाते अपने आप ही थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 5 मिनट हो चुका है। हमारा बर्फ़ी दो है वो थिक होना शुरू हो गया है। इसको 2 मिनट के लिए और पका देंगे। यहाँ पे मैं 2 मिनट और पकाऊंगा इसको, थोड़ा सा और थिक हो जाए। इसको अच्छी तरीके से हिलाते रहना है ताकि नीचे सड़े ना। तो यहाँ पे हमने मेरी बर्फ़ी एकदम से तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद में हमने इसको गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है। गैस को बंद करने के बाद भी इसको 1 या 2 मिनट तक हिलाते रहना है ताकि जो हमारा पैन जो गर्म होता है उसकी वजह से अगर नहीं हिलाएंगे तो सड़ जाएगा, नीचे जल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि हमारा पैन भी ठंडा हो जाएगा जब तक। तो यह हमारी बर्फ़ी एकदम तैयार है। तो अभी इसको हम इसके बाद में मैं डाल रहा हूँ इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर। उसके बाद में मैं डालूँगा रोज़ वाटर। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 बूंद रोज़ वाटर डालूँगा इसमें। यहाँ पे मैंने 4 से 5 बूंद रोज़ वाटर डाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे एक। इसके बाद में हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद में हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद में हमारी बर्फ़ी ठंडी हो जाएगी। तब तक के लिए हम जिस पे हमने बर्फ़ी को थापना है उस पर हम थोड़ा सा आधा चम्मच रिफाइंड लगा लेंगे ताकि नीचे बर्फ़ी हमारी चिपके ना। यहाँ पे मैंने रिफाइंड लगा लिया। इसके बाद में मैं बर्फ़ी थप देता हूँ। चौरस पीस में बर्फ़ी थप देना है। इस तरीके से हमने बर्फ़ी थप दिया है। यहाँ पे मेरी बर्फ़ी थप के रेडी है। इसके बाद में ऊपर से उसको गार्निश कर देंगे। बादाम और पिस्ता यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे हमने गार्निश कर दिया। अब इसको हम सूखने के लिए रख देंगे 2-3 घंटे। हमारे 2-3 घंटे बाद मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूँ। एकदम सूख गया है, बर्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको बर्फ़ी शेप में इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बर्फ़ी शेप में इसको कट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने बर्फ़ी शेप में कट कर लेना है। ये हमारी बर्फ़ी शेप में इसको काट लिया है। इस तरीके से बर्फ़ी शेप में चौरस पीस में इसको कट कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन कट कर सकते हैं।
अब मैं आपको एक बर्फी दिखाऊंगा, देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है, कितना सॉफ्ट बना है। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा कितना सॉफ्ट बना हुआ है हमारी बर्फी। ये हमारी बर्फी एकदम रेडी है, इसको मैंने प्लेट में लगा लिया है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला जो बटन है उसको दबा लें ताकि हलवाई वाली वीडियोस आपको मिले।